हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, यदि ग्राम पंचायत का जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय यदि आपका पेमेंट मेथड ई ग्राम स्वराज और आधार नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो रेफरल वेरिफिकेशन है उसमें इस तरह की डिटेल खुल रही है और आपका एलजीडी कोड का सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में दोनों चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लाइव आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाऊंगा। यदि आपकी पंचायत के सरपंच के प्रोफाइल में, प्राइमरी यूजर के प्रोफाइल में यदि इस तरह की पेमेंट मेथड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, और आप वीडियो देखकर आप खुद अपना जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया उसको लॉग इन कर खुद आप पेमेंट मेथड में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जेम पोर्टल, जिस प्राइमरी यूजर का मुझे ये चेंज करना है ऑप्शन, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आपको आपकी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी अब ऊपर देगी सरपंच का नाम भी आपको दिख रहा है। अब दोस्तों यहीं पर आपको क्लिक करके माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद स्टार्ट ये क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वही चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, जो ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपको दिखे थे। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस ये आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है, यहाँ पे डिटेल दिख भी रही है, ये नीचे करके बता देता हूँ मैं। इसके बाद पेमेंट मेथड, यहाँ पे देखिए पेमेंट मेथड में दोस्तों सिर्फ आपका जो ऑप्शन आना था ई ग्राम स्वराज और अदर वाला, वो ऑप्शन दोनों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था इसका स्टार्टिंग से, उस समय आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो आपने स्टेट ऑटोनोमस नहीं किया सिलेक्ट। इसके अलावा डिपार्टमेंट में आपने डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज सिलेक्ट नहीं किया है, जो कि आपको जरूरी था प्राइमरी यूजर में। ये दोनों ऑप्शन बहुत ध्यान से आपको सिलेक्शन करना था, लेकिन आपने वो गलती कर दी है, तब जाके आपको वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुल रहे हैं जो हमको आवश्यकता है जिन ऑप्शंस की। अब फिलहाल मैं यहाँ पे स्टेट पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ, सेव करता हूँ इसको। पर्सनल वेरिफिकेशन ऑलरेडी सब कुछ डिटेल आपके यहाँ खुल रही होगी। नीचे की तरफ आप जाएंगे, जीएसटी वाला ये नो करना है, इस पर चेकबॉक्स पर टिक लाना है, इसके बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आप चौथे वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपका है रेफरल वेरिफिकेशन। इसको आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे देखिए, वैसे यदि आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ सही रहता है तो उस समय आपको यहाँ पे आपकी एलजीडी कोड सिलेक्ट करना रहता है। जैसे आप एलजीडी कोड आपकी पंचायत का सिलेक्शन यहाँ पे करते हैं, नीचे ऑटोमेटिक आपका जनपद का मेल, जिस मेल पे वेरिफिकेशन लिंक पहुंचती है वहां पर लिंक पहुंच जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन ये नहीं खुल रहे हैं। तो अब जो ऑप्शन यहाँ पे खुल रहे हैं इनको आपको फिल करना है। अब इसमें आपको वेरीफाइंग अथॉरिटी जो भी रहती है जनपद स्तर पर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलहाल फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए थैंक यू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू द वेरीफाइंग अथॉरिटी। इसको आप जैसे ही ओके करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर से आप जो नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे माय अकाउंट पे क्लिक करना है। और अब देखिए माय अकाउंट जैसे हमने क्लिक किया, अब लेफ्ट साइड में देखिए आपको ऑप्शन बहुत सारे बढ़ गए हैं। अब दोस्तों हमको वो चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ध्यान रखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जो स्थिति सामने खुल रही है, आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हमको स्टेट ऑटोनोमस सिलेक्ट करना था, लेकिन जिनका आईडी मैंने यहाँ पे खोल रखा है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रखा है। हालांकि डिपार्टमेंट सही है, लेकिन इस एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप गलत डालने की वजह से हमारे पास पेमेंट मेथड प्रॉपर नहीं खुल रहे हैं और रेफरल वेरिफिकेशन भी हमारा सही नहीं पहुंच रहा है। अब दोस्तों इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, चेंज ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। यहाँ पे प्राइमरी यूजर जिनके यूजर जिनका आधार कार्ड से आपने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब सरपंच का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया उसमें जो आधार नंबर प्राइमरी यूजर का डाला, वो आधार नंबर की एंट्री यहाँ पे करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद हमको इसको वेरीफाई करना है दोस्तों, तब हम इसको चेंज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, में यहाँ पे प्राइमरी यूजर का जिस आधार कार्ड से हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो आधार नंबर एंटर करता हूँ प्राइमरी यूजर का। इसके बाद आधार में लिंक मोबाइल नंबर, ये दोनों एंट्री करने के बाद चेकबॉक्स पर टिक लगाना है। इसके बाद आपको वेरीफाई आधार, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो ओटीपी पहुंचेगा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और अगले पेज पे हमको ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए दोस्तों, वही ऑप्शन सारे खुल गए हैं जो ऑप्शन आपने पहले फिल किए थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आपने पहले मिस्टेक कर दी थी, लेकिन अब आपको स्टेट ऑटोनोमस सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट जो भी आपका स्टेट लगता हो, मध्य प्रदेश के केस में मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन आपको बस यही सिलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता हो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ये ग्राम पंचायत का नाम ऑटोमेटिक यहाँ लिखा ही हुआ है, आपने पहले लिखा होगा। इसके बाद रिव्यू टर्म एंड कंडीशन, नया पेज खुल गया है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कुछ, ये आप देख सकते हैं।
इसके बाद वापस उसी पेज पे आके यहाँ पे चेकबॉक्स आ रहा है, चेकबॉक्स पे टिक लगाइए और इसके बाद सबमिट करिए दोस्तों। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे आप स्टार्ट ईयर पे क्लिक करें। अब देखिए वही चार ऑप्शन आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, जो चार ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किए थे या इनका हमने यूज किया था। ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में एड्रेस जो आपने डाला हुआ था ऑलरेडी वो आ रहा है, इसको नीचे जाके आप इसको सेव कर दें। सेव जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप, पेमेंट मेथड। अब देखिए पेमेंट मेथड में जो अदर और ई-ग्राम स्वराज का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा था वो अभी आपके सामने आ गया है। इसको आप अदर पर टिक लगाइए, ई-ग्राम स्वराज पर टिक लगाइए, ये वाला जो चेकबॉक्स है इसको आप टिक हटा दीजिए। इसके बाद अगला इसको सेव करिए, अदर और ई-ग्राम स्वराज पर टिक लगाने के बाद सेव करिए। सेव बाद थर्ड स्टेज पर जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल आ रही है नीचे की तरफ, यदि ऑप्शन आपको खाली आ रहा हो तो आपको एंटर कर दीजिए और सेव करिए। इसके बाद लास्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, लास्ट वाला पेज रेफरल वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब आपको एलजीडी कोड आपको सिलेक्ट करना है, जो आपकी पंचायत का एलजीडी कोड है वो। इस तरह से एलजीडी कोड सिलेक्ट किया रेफरल वेरिफिकेशन में, इसको सेव करेंगे। दोस्तों फिलहाल अभी किसी कारण से ये सेव नहीं हो रहा है डाटा, लेकिन आप एलजीडी कोड सिलेक्ट करने के बाद सेव जैसे करेंगे तो नीचे आपका वेरिफिकेशन अथॉरिटी का मेल एड्रेस आ जाता है, उनका नाम आ जाता है, तो उस मेल पे वेरिफिकेशन की लिंक पहुंच चुकी होगी। जैसे आप सेव कर देंगे वैसे पहुंच जाती है, उसके बाद जनपद से जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है आपकी उससे आप अप्रूव करवा लें। इसके बाद इसी को लॉग इन करके आपका सेकंड यूजर का रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये डाटा यहाँ पे सबमिट करते समय सेव करते समय यदि इस तरह का मैसेज आपके सामने आता है तो फिर आप ये जो टैब आपने खोल रखी इसकी एक और न्यू टैब ओपन करिए, लॉग इन करिए, यहाँ पे होम पेज पे जाके न्यू टैब आप ओपन कर लीजिए या फिर ये लिंक आप कॉपी करके नए टैब में आप पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप ये जो ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें आप पेमेंट मेथड में आइए, और आपने यदि इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो उसको आप अनसेलेक्ट कर दीजिए और ये वाला इंटरनेट बैंकिंग वाला सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। ये प्रोसेस यदि आप कर लेंगे तो आपको ये वाला मैसेज नहीं आएगा, आपका ये जो डाटा है वो आपका पूरा सही तरीके से सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होते से ही आप इस पेज पे आ जाएंगे जिस पेज से हमने अभी आपके सामने सारी प्रोसेस की है। दोस्तों प्राइमरी यूजर सेकंड यूजर दोनों के रजिस्ट्रेशन की पूरी फुल वीडियो में अलग अलग दोनों की अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप चाहे तो एवरी नीट चैनल पर सर्च करके वो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और आपके साथियों के साथ शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उस तरह के वीडियो में अपलोड करता रहता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।